अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मलिक नईम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर करते हैं जी वीडियो शुरू। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा के ऑल पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अभी जी मैं अपने शहर आया हुआ था मैं अब वीडियो अपलोड करने के लिए। आप वीडियो जाके देख सकते हैं जी, वीडियो अपलोड हो चुकी है जी। मेरी रोज़ाना की रूटीन है जी, मैं इधर मेन अड्डे पे आता हूँ जी वीडियो अपलोड करने के लिए। आपको पहले भी बताया था, हमारे गांव में नेट बहुत ही स्लो चलता है जी, और बारिश के बाद का जी मेन अड्डे का मंजर ये देखें जी। 5 लाख आबादी वाला शहर है जी, और हर जगह जी पानी के तालाब बने हुए हैं जी। महकमा बल्दियात जी सोया हुआ है जी, ये देखें पानी पानी है जी, मछलियों वाला तालाब बना हुआ है जी। महकमा बल्दियात वाले जी सोए हुए हैं जी, किसी की कोई नज़र नहीं पड़ रही जी। ये आगे जी देखें जी, पानी ही पानी है जी। ये हमारे हाल है जी शहर का। अगर कोई महकमा बल्दियात का कोई नुमाइंदा वीडियो देख रहा है तो मेहरबानी करके जी हमारे शहर कस्बा मडल पर खसूसी तवज्जो दी जाए जी, और आवाम जलीलो ख्वार हो रही है जी। ये देखें बच्चे का साइकिल गिर गया जी, ये हाल है जी हमारे शहर का। इस रोड पे पानी ही पानी है जी, और रोड नीचे बैठता जा रहा है जी, सड़क टूटती जा रही है जी। न्यू रोड बना हुआ है जी, निकासी का सिस्टम है नहीं ठीक, फिर तो यही हाल होना है जी रोड का। पानी चेक करें जी अल्हम्दुलिल्लाह से जी, अभी नमाज असर अदा किया जी अल्हम्दुलिल्लाह से जी। और आपके लिए एक खुशखबरी है जी, हमने गाय ले ली है जी, और भाई गए हुए हैं जी लेने के लिए। जिनके बेटे की शादी नहीं थी, चाचू रब नवास, उन्होंने जी लेकर दिया है हमें गाय। वो उनके गांव में थी किसी के पास, डॉक्टर के पास ना। गाय अच्छी है और पैसे भी बहुत ज़्यादा हैं जी, और 12 किलो दूध है वो बता रहे थे कि। तो अभी जी उस गाय के लिए जी हमने वंडा लेना है जी, दूध वाला। अभी अबू ने कहा जी लेके आओ, तो मैंने नमाज़ पढ़ लिया जी, अभी चलते हैं जी वंडा लेकर आते हैं जी गाय के लिए दूध वाला। क्योंकि न्यू जगह पे आएगी ना, घास तो खाएगी नहीं, तो उसको वंडा डालेंगे, वो शौक से खाएगी इंशाल्लाह। ये रही जी बाइक, अभी लेते हैं जी, फिर चलते हैं जी वंडा लेने के लिए।
पीछे मोबाइल के जी मैंने रियाल लगाया हुआ है जी, ये 5 रुपये हैं जी, पैसे मिल चुके हैं जी। अभी चलते हैं जी मंडा लेने के लिए, 5000 रुपये वाला। और अभी जो कज़न आए वो लेके आते हैं, वो कहते हैं 3950 रुपये का है दूध वाला, पंजनद वालों का ना। और एक और कंपनी बता रहे थे इंडस, उनका कम है थोड़ा, 50 रुपये ना, वो हम पंजनद वाला लेंगे जी। अभी चलते हैं जी, बहुत महंगा है जी वंडा, और दूध भी रेट काफ़ी बढ़ चुके हैं दूधों के भी। हमारी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि ये वंडों के रेट कम किए जाएं, ताकि गरीब बंदे या जो जानवर पालते हैं जी वो ज़्यादा से ज़्यादा पालें और ज़्यादा पैदावार बढ़े जी दूध की, ताकि दूध ज़्यादा आए। इस वक्त जी शहरों में बहुत ही खपत है जी दूध की, बहुत ज़्यादा बिकता है जी। और इसके अलावा इस्लामाबाद में तो भाई साहब केमिकल वाला दूध बिकता है, जो पीने के लायक ही नहीं होता, पियो फौरन पेट में दर्द। पहले जी मैं शॉप पे पहुंच चुका हूं जी, और ये भाई हैं जी यकूब भाई और एक कट्टू ले रहे हैं जी 5 रुपये का। देखो खैर खैर सही, मैं ऐसे काम में मसरूफ ना सही ना। आओ लाले बिया चलो माशाल्लाह, कहीं जो रास होता रेगुलो सामने जी भाई खड़े हैं जी मुर्गियों वाले, ये मेरे क्लास फेलो हैं जी सिकंदर मौलवी मेरे साथ पढ़ता था जी, अभी इसने मुर्गियों वाला फट्टा लगाया हुआ है जी इधर। फैलने जी भाई ने रख दिया है जी कट्टू 5 नद वालों का, ये इधर चिप लगी हुई है जी। बेफिक्र दे मजा नहीं भले मग गए इधर सामने जी शादी है जी, बारात जा रही है जी। अल्हम्दुलिल्लाह से जी वंडा घर मैंने रख दिया है जी, और रोज़ाना 2 किलो या 1.5 किलो जी, रोज़ाना 2 किलो या 1.5 किलो जी उसको पानी में जी डुबो के रखेंगे जी, जब गीला हो जाएगा मतलब कि नरम, फिर जी घास पे डाल के आएंगे जी, वो खाएगी जी दूध बढ़ाएगी जी। 3900 जड़ा आखे वे अबू पूछ रहे थे जी वंडा का, अभी उन्होंने कहा था कि ले आए हो कि नहीं।
अभी जी मैं दुकानों पे जा रहा हूँ जी, रोश चेक शोर चेक करें जी, पैसे देने हैं जी। उस दिन ना पेट्रोल डलवाया था, पैसे नहीं दे के गया था, तो अभी पैसे देने जा रहा हूँ जी बाइक को। बहुत शोर होता है जी रोड पे। अभी जी एक चिप्स लिया है जी लेज वालों की और भाई को पैसे दे दिए हैं जी। एक अभी चिप्स लिया है जी, भाई को पैसे दे दिए हैं जी, भाई को पैसे दे दिए हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह से जी। अभी मैं आगे जा रहा हूँ जी, एक दुकान है वहाँ से बोतल पियेंगे स्टिंग इंशाल्लाह। अभी बोतल पीने जा रहा हूँ जी। उधर भाई जी सामने अपने खेत को खाद दे रहे हैं जी। खाद काफ़ी महंगी हो चुकी है जी, सुना है जी अब 100-200 रुपये फी बोरी कम हुई है यूरिया की। और आज भी सूरज के इर्द गिर्द जी बादल हैं। इधर सामने जी न्यू रूटावेटर आया हुआ है जी, ये जो भाई खड़े हैं ना इनका है जी, रिक्शे पे लोड हो के आया है जी। और इधर सामने ट्रैक्टर है जी, ये फिर लेके जाएंगे जी घर। उमर अली किदे फूक भरवाने में पे, ये हवा भरवाने जा रहा है जी। हम सराकी में फूक बुलाते हैं मतलब हवा को। उमर अली दी फूक निकल गई है। ये तो बड़ी ठंडी है, मेहरबानी सही। बोतल हमारी आ चुकी है जी। बोतल स्टिंग की भाई। पीछे बोतल लगी हुई है जी सारी। अभी जी पैसे देते हैं जी भाई को, एक पिछली दफ़ा भी पी थी उसके भी पैसे नहीं दिए, 120 इकट्ठे देते हैं जी। ये बकाया मिल चुका है जी हमें। कितने हैं? 380 जी बकाया। अभी जी रूटावेटर उतार रहे हैं जी, रिक्शा देखे आगे से उठ गया है जी, खड़ा हो गया है। ये व्यूवर्स है अपना जी। ले जी उतर चुका है जी रूटा बैठा।
जी हसन सवाल है, कुत्ता काटेगा तो नहीं ये वाला? कुछ नहीं कहता, वो गुजर जाए आराम से, कुछ नहीं कहता, वो नहीं जा रहा, देखें जाए 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 भाई जी डर गए हैं जी, कुत्ता है जी वो सामने, वो कहता है काटता तो नहीं है, मैंने कहा गुजर जाए, कुछ नहीं कहता इतनी आवाम दलेर है जी, कुत्ते से डर जाते हैं जी। एक दिन जी मैं नावल पढ़ रहा था अखबार का, रोजनामा खबर में, तकरीबन मुझे आई थिंक 5-6 महीने हो गए होंगे, ये गामा पहलवान था, गामा पहलवान, तो वो ना जंगल में से गुजर रहा था, पहले बहुत ज़्यादा जंगल हुआ करते थे, अब तो ख़त्म हो चुके हैं, काफ़ी कम हो चुके हैं, तो एक ना शेर आया उनकी तरफ, मतलब कि उनको काटने के लिए, खाने के लिए, तो जो गामा पहलवान था ना वो पहलवानी भी करते थे, कुश्तियाँ वगैरह लड़ते थे, तो जैसे ही ने शेर ने वाव किया ना, वो उसने एक ऊपर से हाथ डाला और एक नीचे से, उसको ना चीर के रख दिया जी। ये थे जी जवान जो देसी घी खाया करते थे, पहलवान थे, कुश्तियाँ करते थे, और आज के नौजवान जी कुत्तों से भी डर जाते हैं ये हैं जी नौजवान। वैसे शहरी लोग ज़्यादा डरते हैं जी, जो मम्मी डैडी हैं जी। क्या हाल है, ये हालात हैं जी पाकिस्तानियों के, क्या ये दलेर बनेंगे? आपकी क्या राय है जी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी जी ये ट्रैक्टर लगा रहे हैं जी कल्टीवेटर को घर लेकर जाने के लिए, कादरी वालों का है जी। इन्हें इन्हें बनवा जा तो जीर ला के वेल्ड करवा जा। ये तवा भी लगा हुआ है जी, आपको बन्ने वगैरह नहीं निकालने पड़ेंगे जी। फूक भरवाए तेरी यार, वाले फूक नहीं लगे हैं, पंचर था ना, पंचर कहना आई ये न्यू साइकिल है जी, कितने का चौधरी की दे? 17,500 का। जब से पेट्रोल महंगा हुआ है ना जी, साइकिलों में इजाफा हो चुका है जी न्यू साइकिल है जी, सुपर फाइन वालों का 17,500 ना, 17,500 का हम बेचे ने 13,000 गन गन। अच्छा कहता पेट्रोल महंगा, ये ठीक है, न्यू साइकिल है जी, ये भी लगा हुआ है जी घंटी।
ਫਿਰ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਾਂ ਪਤਲਾ ਚੀਜ਼ ਲਾਵੇ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ गया जी अल्हम्दुलिल्लाह से जी हमारी गाय आ चुकी है जी। ये सामने रही जी पिकअप, इस पे लेके आए हैं जी। वो उधर नज़र आ रही है जी आपको ब्लैक सी। अभी पिकअप फंसी हुई है जी पानी में, निकल गई है। अभी दिखाते हैं जी आपको गाय। ये इधर सामने टिड्डा आ रहा है जी, मोहम्मद रमज़ान, ये भी गाय देखने के लिए आ रहा है। और ये रही जी हमारी गाय माशाल्लाह, ज़रूर कहिएगा जी। और ये कट्टी है जी, ये पहले अकेली डरती थी जी, अब इसका और साथी आ चुका है जी। ये इसका जी बेटा है जी, बेटा बच्चा है जी, बच्चा इसका। और न्यू जगह है जी, मुझे ना गौर गौर के देख रही है जी। और फार्म के आर बार जी कपड़ा लग चुका है जी, दो दिन बाद जी हमारा चूज़ा आ जाएगा। इस वक्त चूज़ा बहुत महंगा हुआ है जी, 86 रुपये का एक चूज़ा हो चुका है जी। ये पोल्ट्री की इंडस्ट्री पता नहीं कहाँ जाएगी जी, बहुत महंगी हो चुकी है जी। हमने जब फार्म बनाया था ना, पहली दफ़ा जो हमने चूज़ा डाला था वो हमें मिला था 16 रुपये का एक चूज़ा। अब देख लें जी, 86 रुपये का हो चुका है, 85-86 रुपये का। और पोल्ट्री से जो लोग भी वाबस्ता हैं जी, वो अब इस कन्फ्यूज़न का शिकार हैं कि भाई क्या किया जाए जी इस वक्त। और इसके अलावा जी खुराकों के रेट बढ़ चुके हैं जी, चूज़ों की 8,000 रुपये की एक बोरी हो चुकी है जी। और FCR भी ठीक नहीं आती जी। ये हालात है जी पोल्ट्री का, हर काम मुतासर हुआ हुआ है जी, कोई बंदा खुशहाल नहीं है जी। और महंगाई बहुत काफ़ी ज़्यादा है जी, हर बंदा परेशान है जी। गंदम देख लें, 4,000 रुपये मन है जी, गरीब बंदा कहाँ से लेगा जी। गरीब बंदे के लिए तो दो भर का खाना भी मुश्किल हो चुका है जी। अल्लाह पाक रहम करम फरमाए जी हम पे। और अजान मगरिब का टाइम होने वाला है जी, कुछ ही देर में अजान हो जाएगी, फिर नमाज मगरिब अदा करेंगे इंशाअल्लाह। और हमारी गाय आपको कैसे लगी और कितने की होगी अंदाज़ा लगा के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको आवाज़ आ रही होगी, न्यू जगह पे आई हुई है ना, वो रिंग रही है जी। मोहम्मद वलीद आया हुआ है जी, ये फार्म पे लाइट्स जल रही है जी। चलते हैं जी नमाज अशा अदा करते हैं जी। अगर वीडियो पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आज का व्लॉग करते हैं जी यहीं पे एंड, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।